नेक्स्ट क्वेश्चन दो हजार दस का सवाल है क्वेश्चन से इज अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अ कॉइन इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड द फ्रिक्शन इज म्यू हमें म्यू दिया हुआ है सवाल uh, यह है इफ हमारी कंडीशन है रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ आर इज ग्रेटर इज ग्रेटर देन म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू म्यू जी ओमेगा स्क्वायर आर इज लेस देन म्यू स्क्वायर बाय ओमेगा जी या आर इज लेस देन म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर नाउ इस सवाल को अगर आपको सॉल्व करना है तो फिफ्टी फिफ्टी की लाइफ लाइन अगर आपके यूनिट और डायमेंशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं 50 50 की लाइफ लाइन आपको यूनिट और डायमेंशन से मिल जाएगी बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लेंथ की है राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी लेंथ की होनी चाहिए सो बेस्ड ऑन दैट अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो भी आपको कुछ हेल्प यहाँ पे मिल जाएगी कि दो तो गलत ऑप्शन निकल जाएंगे लेकिन हम इसको डायमेंशनली सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम चाहते हैं सवाल को हम प्रॉपर सॉल्व करें राइट right? uh, तो सिचुएशन ये है कि ये आपका ग्रामोफोन रिकॉर्ड है जो कि यहाँ पर ओमेगा से रोटेट कर रहा है और आपने आर की दूरी पे ये अपने इस क्वाइन को रखा है और यहाँ पे फ्रिक्शन का कोविशन म्यू है हमें बताना है किस कंडीशन में ये इसके साथ साथ रोटेट करेगा ना यहाँ पे इसको घुमा यहाँ पे इसको नेसेसरी सेंटिपटल फोर्स जो प्रोवाइड करेगा वो आपका फ्रिक्शन फोर्स है सो हम यहाँ कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर या फिर इसको हम लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे ओमेगा की टर्म में हम आंसर देना है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज़्यादा है तो उसके साथ साथ रोटेट करेगा नहीं तो जैसे आपका ग्रामोफोन घूम रहा है यह आपका कॉइन बाहर भाग जाएगा हाइट तो अब बस यहाँ वैल्यू रख लेते हैं तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप लिख सकते हैं म्यू एन यहाँ पर आप लिख सकते हो म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर और अगर आप इसको इधर लेके आएंगे तो हम ये कह सकते हैं एम कैंसिल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू आर से डिवाइड हो जाएगा सो दिस वे म्यू जी बाय आर और अंडर रूट कर लेंगे तो ये आपकी ये वैल्यू हो जाएगी सो so, नहीं हमें आर के ऊपर कंडीशन देनी है ऑल्ड सो आर के ऊपर कंडीशन देनी है सो एम कैंसिल हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा सो आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर सो इस सिचुएशन uh, में ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आहर की वैल्यू म्यूजिबाई ओ मेगा स्क्वायर से कम हो विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर